नागालैंड के दो दिवसीय दौरे पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोहिमा पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बतौर राष्ट्रपति मुर्मू का ये पहला नागालैंड दौरा है। कल कोहिमा के स्टेट कल्चरल हॉल में उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी विभागों के आला प्रशासनिक अधिकारियों समेत 22 जनजाति संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। शाम को स्टेट बैंक्वेट हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। वहीं अगले दिन यानी कि 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक जाएंगे। वे किंगवेमा गांव भी जाएंगी, जहां नागालैंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा लगाए गए स्टॉल का दौरा करने के साथ ही स्वयंसेवी समूहों से भी वे मुलाकात करेंगी। बताते चले 4 नवंबर को राष्ट्रपति सिक्किम दौरे पर होंगी, जहाँ वे गैंगटॉक के मनन केंद्र से नवनिर्मित अटल सेतु ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।